हेलो, आज की वीडियो में हम विद द हेल्प ऑफ डिंकलिस मेथड सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर हमें ये स्टेटमेंट में ये प्रॉब्लम दी हुई है। ये 3 डिग्री फ्रीडम सिस्टम है। ये मास है, ये स्प्रिंग अटैच है, उसकी स्टिफनेस दी हुई है। उन्होंने बोला है इस सिस्टम की, टोटल सिस्टम की नेचुरल फ्रिक्वेंसी फाइंड करें विद द हेल्प ऑफ डिंकलिस मेथड। ओके, डिंकलिस मेथड में हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/ω(n)2, जहाँ पर 3 सिस्टम है, यानी कि 3 कोऑर्डिनेट्स मोशन को स्पेसिफाई करें, यानी कि इज इक्वल टू होगा 1/ω(1)2, इसका स्क्वायर प्लस 1/ω(2)2 प्लस 1/ω(3)2। अगर 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम होता तो यहाँ पर आ जाता 1/ω(4)2, अगर यहाँ पर एक और मास अटैच हुआ होता। ओके, यहाँ पर देखिए हमें क्या चाहिए, हमने बेसिकली फाइंड करना है ωn, यानी कि टोटल सिस्टम की नेचुरल फ्रिक्वेंसी। इसलिए इसके लिए हमें ω1, ω2, ω3 पता होना चाहिए। ओमेगा हम कैसे फाइंड करते हैं, √KYm। सिंपल, हमारे पास नेचुरल फ्रिक्वेंसी फाइंड करने का फॉर्मूला होता है √KYm। वो फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। फर्स्ट सिस्टम के लिए हम, यानी कि ω1 पर हम फाइंड करते हैं √KYm। यहाँ पर देखिए के कितनी दी हुई है, 3 के। ओके, एम कितना दिया हुआ है, 4 एम। ओके, बोथ साइड स्केयर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ω1² 3 के/4 एम। यहाँ पर मैंने लिखा है ω1² 3 के/4 एम। इसी तरह से ω2 फाइंड करेंगे, इज इक्वल टू √K/m। के कितना है सेकंड सिस्टम के लिए, 1, एम कितना है, 2। बोथ साइड स्केयर करेंगे तो हमारे पास ω2² आ जाएगा K/2m। इसी तरह से ω3 फाइंड करेंगे √K/m, K कितना है, 1m1। ओके, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ω3² इज इक्वल टू K/m। ω3² इज इक्वल टू K/m। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये वाला है, इसमें सभी वैल्यू को पुट कर देते हैं। ओके, ω1² की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखें ω1² की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर पुट करते हैं 3 के/4 एम। ω2² की वैल्यू कितनी है, K/2 एम। ω3² की वैल्यू कितनी है, K/m। ओके, ये 4 एम को हम ऊपर कर सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 4 एम। ओके, ये 2 एम को भी हम ऊपर ले जाते हैं, 2 एम, यहाँ पर m को भी ऊपर ले जाते हैं। सिंपली अभी हम विद हेल्प ऑफ एलसीएम मेथड हम इसे सोल्व करेंगे 3 के। ओके, यहाँ पर आ जाएगा 4 एम, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 एम, 3 + 3 एम कितना हो गया, 13 एम/3 के। ओके, 13 एम/3 के हमारे पास आ गया 1/ω(n)² इज इक्वल टू 13 एम/3 के। अभी हम फाइंड करना है ω(n)² इसे हम इधर ले जाते हैं, ω(n)² ओके, ये ऊपर चल जाएगा यहाँ पर 3 के/13 एम। ओके, अभी हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, ये हमारे पास आया है ω(n)² वो यहाँ पर इधर से हम स्केयर हटा देंगे, इधर आ जाएगा √। ओके, 3/13 का हम √ फाइंड कर सकते हैं, इसलिए हम ऐसे इसे ऐसे लिखेंगे √K/m, यहाँ पर √3/13, इसका हम फाइंड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो हमारे पास इस की न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी 0.4803, ये हमारे पास आंसर आ चुका है 0.4803 √K/m रेडियन पर सेकेंड। हमारे पास नेचुरल फ्रिक्वेंसी आ चुकी है सिस्टम के लिए। ओके, इस तरह से हम विद द हेल्प ऑफ डिंकलिस मेथड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।